Hello。Hi guys. Walaikum assalam. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस।
जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो वो भी मैंने चिकन कट किया था, वो मैं कोरमा बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर मैं कोरमा बना रही हूँ। मैं भी यहाँ पर पकाऊंगी आलू के पकौड़े, और साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन कोरमा बनाना है, और मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, गोश्त के समोसे। तो ये सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस है, अभी मुझे जल्दी जल्दी बनानी है। तो ये है गोश्त,
जिसे मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है, फ्रीजर में मैंने रखा हुआ था। या आई एम इन दुबई। इसमें मैं अनियन डालूंगी, कोरिएंडर लीफ डालूंगी और ग्रीन चिली ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं इसमें कट कर दे रही हूँ। ये जो गोश्त है यानी कि जो बीफ है ये ऑलरेडी कुक्ड है। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे रोल करूंगी। यहाँ पर मैंने ऑल पर्पज फ्लोर को पहले से ही डो बनाकर रेडी कर लिया है। साथ ही साथ मैं दो तीन काम एक साथ कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है।
ये हमारा समोसा। यस बेटा, यू आर वेरी गुड बॉय। ओके अभी मैं सेम स्टफिंग से रोल बनाऊंगी। मेरे बच्चे को समोसे वाली शेप पसंद नहीं आती है तो वो खाता नहीं है। मैं उसके लिए रोल बनाऊंगी। उसे सेम स्टफिंग की रोल पसंद है लेकिन समोसे नहीं। यस बेटा, मम्मा आपको मालूम है। ओके यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे पानी लगाऊंगी ताकि इसे सील करने में आसानी हो और ये ओपन ना हो जब इसे फ्राई करें। ये हमारी रोल भी रेडी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा अफ्तार तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमें बस दो लोग रोज़े रखते हैं और बच्चे तो रोज़े नहीं रहते हैं तो वो खाते भी नहीं हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें बहुत ही लिमिटेड बनाती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। ये वेस्ट होना अच्छी बात नहीं है, वेस्ट करना खाना। तो मैं बस पर पर्सन एक या दो जो भी चीज़ें बनाती हूँ या एक या दो काउंट करके बनाती हूँ। ज़्यादा खाने वाले में से नहीं हूँ, ना ही मैं ज़्यादा खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड। और वैसे भी रमज़ान में तो खाया नहीं जाता है ज़्यादा, हमें हमसे तो नहीं खाया जाता है। ख्वाहिश तो बहुत होती है खाने की लेकिन जब रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कुछ भी खाने का। यस बोलिए बेटा। मम्मा हाँ, ओके
यार ये जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, फिर सभी हम लोग बैठ कर अफ्तार के टाइम पे जो भी दुआएं मांगनी होती है वो मांगूं। आप सब भी हम लोगों को दुआ में शामिल रखिएगा। आप सभी कहाँ से हो, यूएई से या फिर किसी और कंट्री से? ये मेरा फर्स्ट लाइव है, आज मैंने सोचा कि आज मैं लाइव आती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी मेरी लाइव पर आए। आगे भी इंशाल्लाह मैं लाइव ज़रूर करूँगी। मैं डिनर और इफ्तार दोनों एक साथ ही बना लेती हूँ ताकि फिर इफ्तार के बाद कुछ भी करने की ख्वाहिश नहीं होती है, बहुत ही थकावट से फील होने लगती है। तो दोनों चीज़ें बनी हुई होती है तो सही रहता है, आसानी होती है मुझे। बस खाते वक्त जब रात का डिनर हम खाते तो फिर उस टाइम पे मैं रोटी बना लेती हूँ और कुछ भी नहीं। सालन तो रेडी होता है और ये आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ, जैसे कि ये जो भी गोश्त की स्टफिंग वगैरह के लिए जो गोश्त पहले से ही रेडी करके रखती हूँ। इससे बहुत ही आसानी होती है मुझे, काम का प्रेशर थोड़ा कम होता है और जल्दी और कम वक्त में बन जाता है, क्योंकि कुरान वगैरह भी पढ़ना होता है तो उन सारी चीज़ों के लिए भी वक्त चाहिए होता है। ये हमारा यहाँ पर मैंने राइस बनाया था और ये राइस रेडी हो चुकी है। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन्होंने भी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे।
फल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं कट करने जा रही हूँ। कुछ चाहिए बेटे को? क्या है इसमें? चिकन। थैंक यू गाइस। Thank you, Amy. Thank you for the sharing this live video. Walaikum assalam. ये यहाँ पर आप देखो, ये मेरे कल के लेफ़्ट ओवर समोसे मैंने बनाए थे वो हैं, तो मैं इसे भी खाऊंगी, मैं वेस्ट नहीं करूंगी। तो जितना हो सकता है उतना मैं खाने की कोशिश करूंगी, इससे भी ख़त्म करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो फिर मैं इसे चिड़िया को दे दूंगी। चलो ना, इट्स फ्राइंग टाइम, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्राई करूँगी जो।
चिकन मैंने भी ये रुआ का बनाना मैं भूल गई थी, मैं इसे बनाने जा रही हूँ। देखिए मैंने ये चिक्की सॉरी चना बनाया था और ब्लैक ब्रेड, और अभी मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये जो है ये डन हो चुके हैं, तो चलो गाइज अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाबाई, मैं आप सभी से अलविदा कहना देना चाहती हूँ। आप अभी मेरे लाइफ पर आए और प्लीज़ मेरे मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। तो मैं फिर आऊँगी लाइफ पर, मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।